दोस्तों, अब आप WhatsApp पर अपने लाइव सीन के साथ साथ ऑनलाइन को भी हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन। अब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, WhatsApp के अंदर आ गया एक नया कमाल का अपडेट, जो दोस्तों बड़ा ही कमाल का अपडेट है। सभी WhatsApp यूजर को इंतजार था कि आप लाइव सीन के साथ साथ अपना ऑनलाइन को भी हाइड कर सकते हो। दोस्तों, कई बार लोग क्या रात भर चैट करते हो और वो अपना लाइव सीन तो हाइड कर लेते थे, चाहे अपने मम्मी पापा या किसी और से, परंतु उनका दोस्तों ऑनलाइन हाइड नहीं होता था। परंतु अब दोस्तों आप लाइव सीन के साथ साथ अगर चाहते हो तो ऑनलाइन भी हाइड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप कहीं भी टाइपिंग करोगे तो दोस्तों आप WhatsApp पर टाइपिंग करते हो तो आपने देखा होगा अगले वाले मोबाइल के अंदर दिखा देता है कि वो अब टाइपिंग कर रहा है, चाहे नंबर या कॉन्टेक्ट सेव है या नहीं है, फिर भी दोस्तों वो वहाँ दिखा दे रहा है कि अब ये टाइपिंग कर रहा है, ये अभी ऑनलाइन है। परंतु दोस्तों अब इस फ्यूचर की सेटिंग की मदद से आप दोस्तों लाइव सीन प्लस ऑनलाइन दोनों ही हाइड कर सकते हो। पर्टिकुलर एक बंदे से आप चाहते हो तो भी कर सकते हो, चाहे अपनी जीएफ बीएफ किसी से एक्सेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बड़ा ही कमाल का दोस्तों ये अपडेट है, जो सभी WhatsApp यूजर को इंतजार था। अब इसकी महत्वपूर्ण दोस्तों सेटिंग है, आपको कैसे कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल सिंह, आप देख रहे हैं सेल टेक्निकल 70 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करना। दोस्तों, आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, WhatsApp के अंदर बड़ा ही कमाल का ये अपडेट आया, सभी WhatsApp यूजर को इंतजार था। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया था, परंतु मैंने विस्तार से नहीं बताया। आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा कि इसकी आपको सेटिंग कैसे करनी है, जिसके साथ आप लास्ट सीन के साथ साथ ऑनलाइन को भी हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये फीचर आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको क्या करना, प्ले स्टोर को ओपन करना अपने मोबाइल के अंदर, और यहाँ दोस्तों आपको टाइप करना है WhatsApp टाइप करके आपको अपडेट करना है। ये फीचर पहले बीटा वर्जन को मिला था, बीटा वर्जन में कुछ लोगों को मिला था, फिर बीटा वर्जन अब भी ये अपडेट करने के बाद में आप सभी को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको आना बैक, अपडेट करने के बाद में WhatsApp ओपन करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग में आएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको आना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट में आने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी के अंदर, क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। ये दोस्तों पहले केवल लास्ट सीन लिखा हुआ था, अब प्लस ऑनलाइन प्लस कर दिया इसके। इस पे दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों चार फीचर आपको ऊपर पहले देखने को मिलते थे, परंतु अब दोस्तों दो फीचर और ऐड कर दिए गए हैं, जो नीचे जिसका लिखा हुआ है एवरीवन, उसके बाद लिखा हुआ सैम ए लास्ट सीन। अब ये फीचर कैसे काम करेगा, जो आपके लास्ट सीन के साथ साथ ऑनलाइन को भी हाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों पहले चार फीचर जो ऊपर है उनको आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एवरीवन पे आप रखते थे तो दोस्तों क्या होता, आपका लास्ट सीन सभी को दिखता था। अगर माई कॉन्टेंट पे रखते थे दोस्तों केवल आपका लास्ट सीन जो कॉन्टेंट के अंदर सेव है उन्हीं को दिखाई देता, और माई कॉन्टेंट एक्सपीरी पर आप जिसको क्लिक करते थे उन्हीं पर्टिकुलर किसी को ही दिखता था या नहीं दिखता। उसके बाद आप नोबडी पे क्लिक करते थे तो दोस्तों किसी को भी नहीं दिखता। परंतु अब दोस्तों आप लास्ट सीन के साथ साथ अगर ऑनलाइन हाइड करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले जो नीचे आपको दिख रहा है एवरीवन दोस्तों कोई काम नहीं करेगा, आपका एवरीवन कोई काम नहीं करेगा। काम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर कौन करेगा, सैम ए लास्ट सीन ही काम करेगा। वो कैसे करेगा, ऊपर आपको एवरीवन पे कोई काम नहीं करेगा, नीचे आपको माई कॉन्टेक्ट पे यहाँ ही वो फीचर ये काम करेगा। अब आप चाहते हो कि मेरा लास्ट सीन हाइड करना, साथ में ऑनलाइन भी हाइड करना, कई बार क्या आप चैट करते हो रात को और उनका ऑनलाइन तो दिखा लेता, लाइट सीन आप हाइड कर लेते हो, परंतु अब लाइट सीन और ऑनलाइन दोनों एक साथ हाइड कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ करने के लिए आपको क्या करना, आपको सिर्फ एवरीवन पर नहीं काम करेगा, ये करेगा सिर्फ माय कॉन्टेक्ट एक्सपीरियंस। अब जैसे नीचे रख दिया आपने सेम ए लास्ट सीन, और यहाँ आपने क्या किया, माई कॉन्टेंट पर क्लिक करके पर्टिकुलर कोई दो बंदे को सेलेक्ट कीजिए, तीन को, पांच को या एक को, और उसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों क्या होगा कि अब ये जो मेरा लास्ट सीन प्लस ऑनलाइन इन दो बंदों से हाइट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया सेम एस ए लास्ट सीन, लास्ट सीन प्लस दोनों, लाइट सीन और ऑनलाइन दोनों ही हाइट हो गए। तो ये इस तरह काम करेगा। आपको क्या करना, अगर चाहते हो मान लो आप किसी अपने जीएफ से या एक्स से किसी से, मान लो आप चाहते हो कि मेरा लाइट सीन भी हाइट हो जाए, मैं टाइपिंग करूँगा किसी दूसरे बंदे के साथ, ऑनलाइन हूँ टाइपिंग कर रहा हूँ परंतु उसको ऑफलाइन ही दिखेगा। अब जिसको आपने सेलेक्ट किया उसी को न तो लाइट सीन बताएगा न आप ऑनलाइन बताओ। मान लो आपको मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी एक एक्स है और उस एक्स से आप लाइट सीन और ऑनलाइन दोनों नहीं दिखाना चाहते, और दूसरी
जीएफ के साथ आप चैट करना चाहते हो, तो दोस्तों क्या करना, आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सपायर करके और उस जिसको नहीं दिखाना उनको सेलेक्ट कर दीजिए और नीचे आपको करना है सेम ये लाइट सीन और क्लिक कर दे, डन कर दीजिए। तो अब दोस्तों क्या होगा, आप जिसके साथ चैट कर रहे हैं उनको तो सब कुछ दिखेगा, परंतु जिसको आपने टिक मार्क हाइड कर दिया उसको ना तो आपका लाइट सीन दिखेगा ना आपका ऑनलाइन दिखेगा, मतलब दोनों ही हाइड हो जाएगा। तो ये फीचर इस तरह काम करेगा और बड़ा ही कमाल का फीचर है। सभी व्हाट्सअप यूजर को इस फीचर का इजाज़ा जो फाइनली आपको मिल चुका है, और आपको कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको व्हाट्सअप करना होगा अपडेट, अपडेट करने के बाद में ये फीचर मिल जाएगा। और चाहे नए व्हाट्सअप यूजर हो चाहे पुराने हो, सभी को इस फ्यूचर का इंतजार जो फाइनली मिल चुका है। दोस्तों इस फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। नमस्कार।